शुक्लांटी बड़ी बीमार है। सामान और कहाँ है प्रीति? डिक्की पे। पहले सूप लेके जाए। जय गुरु जी, कैसे हो? ये तेल तेल चोलो और वो फूल डाल लो। फूल लाए? शादी वाले लड़के को ही वही गुरुजी ने बोला कि उठा मुझे। शादी वाला हाँ कौन भाई, दो दो लड़के खड़े हैं। नहीं नहीं ये शादी वाले। अच्छा हो गई है उनकी। अच्छा 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 तभी तो टेंशन पड़ी, उन्होंने तभी बोला थी। उनकी वाइफ बोली ना। हाँ फूल फूल आ गया लेना। फूलां बाली पाल कीच मेरे गुरु जी आए ने, फूलां बाली पाल कीच मेरे गुरु जी आए ने, संगता ने हाथ जोड़े शीश झुकाए ने, संगता ने हाथ जोड़े शीश झुकाए न, मेरे गुरु जी आए न आए न, मेरे गुरु जी आए न, मेरे गुरु जी आए न आए न, मेरे गुरु जी आए न। जय जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, तो आज गुरु जी महाराज आए हैं सुभाष नगर में शादी वाले लड़के को ब्लेस करने, उसकी ज़िंदगी में खुशियां भरने। तो देखिए संगत जी कैसे कैसे सब गुरु जी से जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ते रहिए। बस मैं यही कहूँगी, माला में मोती पिरोते रहिए, गुरु जी से जुड़ते रहिए। और जो सेवादार हैं आते ही अपनी सेवा ड्यूटी संभाल लिए सभी ने। जय गुरु जी, नित्य आंटी जय, बंगाली जय गुरु जी, प्रीति आंटी जय गुरु जी, तो कड़ा प्रसाद वाली आंटी किचन में चले गई हैं अपनी सेवा करने। तो प्यारे गुरुजी महाराज संगत जी आ गए हैं हिमांशु को ब्लेस करने के लिए। जी हाँ गुरुजी महाराज से हिमांशु ने अर्ज लगाई हुई है कि प्यारे गुरुजी महाराज मुझे लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग देना, मेरे घर में खुशियाँ देना। और उनकी शादी ब्याह का मामला है तो सब आप देखोगे, आपकी देख रेख में होगा। हमने अपने हाथों की डोरी आपके हाथों में सौंपी है मेरे गुरु, अब आप ही संभालोगे हमारी जीवन नैया को। और संगत जी जब हम अपने कोई भी नई शुरुआत करते हैं और उस नई शुरुआत में हम सबसे पहले अपने गुरु जी को बिठाते हैं जो कि हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमारा हमें रास्ता दिखाते हैं। और गुरु बिना गति नहीं, हमेशा मैं कहती हूँ गुरु बिना ज्ञान नहीं। और गुरु जी ही हमारे जीवन की लौ है, वो लौ है जो हर पल हमारा साथ देती है और हमारे जीवन में आए हुए अंधेरे को दूर करती है। तो प्यारे हिमांशु की शादी में भी गुरुजी महाराज आए हैं और हर जगह जहाँ नज़र दौड़ाओ वहाँ ही हंसता मुस्कुराता गुरुजी का सब रूप होता है संगत जी, जिसे देख के हमारे कितने कष्ट दूर हो जाते हैं। बहुत सारी संगतें मुझे बार बार कहती है आंटी जी जहाँ भी सत्संग होता है तो आप हमें बुलाया करो, और मैं उनसे हाथ जोड़ के एक ही विनती करती हूँ, संगत जी मुझे माफ़ी दे दो, जब भी किसी के घरों में सत्संग होता है तो हम आपको इनवाइट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी संगत ऐसी है जो सत्संगों को अटेंड करना चाहती है लेकिन जो फैमिली वालों की जो अपने घरों के सिस्टम्स होते हैं तो हम पर्सनली किसी को भी इन्वाइट नहीं कर सकते। तकरीबन मैं हर दिन अपनी वीडियोज़ में यही गुनगुनाती हूँ लेकिन फिर भी कई संगत मुझसे नाराज़ होते हैं कि आंटी जी आप हमें बुलाते नहीं। यकीन मानिए संगत जी, जब भी आपको गुरुजी महाराज का बुलावा आया होगा तो आपको कहीं से भी वो बुला लेंगे, आपको किसी के निमंत्रण की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ लेकिन जब ओपन सत्संग होता है संगत जी तो हम पोस्ट डाल देते हैं और एड्रेस भी डाल देते हैं, तो आप संगतें फिर उसमें आसानी से आ सकती हैं। सब दूर न लथे, सब दूर न लथे, जय गुरु जी।
आगे आ गए गुरु जी महाराज का शुक्राना करने। उसके बाद हम आरती बनाएंगे गुरु जी महाराज की, शुक्राना कर लीजिए गुरु जी का। आइए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई हुई संगत का शुक्राना गुरु जी, आप मेरे बेहद की शादी पे आए हो, सबको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।